आज मैं बनाने वाली हूँ कपकेक्स की रेसिपी। इसे हम बिना एक बिना ओवन के सॉफ्ट और स्पंजी कपकेक्स घर पे ही बनाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए सॉफ्ट और स्पंजी कपकेक्स बनाना शुरू करते हैं। इस कपकेक्स को बनाने के लिए पहले हम बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बोल में आधा कप दूध डालेंगे और साथ ही में एक टीस्पून विनेगर डालेंगे। इससे हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाएगा और इसे मिक्स कर लेंगे और ढक के इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो लीजिए यहाँ पे 10 मिनट हो गया है, एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, बिना फ्लेवर वाला होना चाहिए। साथ ही में हम डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। चीनी को मिक्सी में डालकर हमने पीस लिया है और लेंगे आधा चम्मच वेनिला एसेंस और सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। इससे केक में बहुत ही अच्छा खुशबू आएगी, एकदम बेकरी जैसा। अब बारी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। एक कप और आधा कप मैदा ले रही हूँ, यानी कि 1.5 कप। साथ ही में हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और अब हम डालेंगे यहाँ पे मिल्क पाउडर। इससे कपकेक्स में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा, तो मैं 4 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। और अब सभी चीजों को हम छान लेंगे मिक्स करते हुए। दोस्तों यहाँ पे कोई भी केक सब जब बना रहे हो तब सूखे सामग्री को आप छान के ही बनाएं, इससे केक में बहुत ही अच्छा स्पंज आता है। अब सभी चीजों को मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालूंगी और धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए मैंने मिक्स कर लिया है और इतना हमें थिकनेस रखना है। ये देखिए एक ही धार में ये गिरना चाहिए, जैसे ही हम उठाएं तो एक ही धार में गिरना चाहिए। तो हमारा परफेक्ट बैटर तैयार है केक के लिए। अब इसमें किशमिश और थोड़ी सी टूटी फूटी डालेंगे। तो पहले हम इसमें आधे चम्मच मैदा डाल के इसमें हम कोट कर लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे, क्योंकि जब इसे हम डालेंगे बैटर में तो ये नीचे चिपकेगा नहीं। यहाँ पे हमने मैदा कोट कर लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से फिर से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा पूरी तरह से तैयार है। अब हम जल्दी से थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें आधा कप नमक डालेंगे। इस नमक को हमने कई बार बेक करने में यूज किया है। इसे फैला देंगे थोड़ा सा और इसके ऊपर एक स्टैंड या कोई भी कप कटोरी रख देंगे। तो ये देखिए इस तरह से। अब इसे ढक्कन लगा के हम मीडियम फ्लेम में 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने रख देंगे। जब तक प्रीहीट हो रहा है तब तक हम इन कप्स में हम तेल लगा के ग्रीस कर लेते हैं। कोई ब्रश से आप इसे ग्रीस कर लें थोड़ा सा तेल डाल के। यहाँ पे मैंने सारे कप्स में तेल लगा के ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने से क्या होगा, इसे डीमोल्ड करते समय कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब इन कपों में थोड़ा थोड़ा करके बैटर डाल लेंगे चम्मच से। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा चम्मच से उठाते जाएंगे और कप में डालते जाएंगे। यहाँ पे सारे कप्स को हमें आधा ही भरना है, ज्यादा नहीं भरना है इसमें, नहीं तो ये फूलने के बाद बाहर आ जाएगी। तो मैंने यहाँ सारे कप्स में बैटर डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा सजाने के लिए मैं टूटी फूटी डालूंगी। तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके टूटी फूटी इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अब तक हमारा ओवन भी प्रीहीट हो चुका है। चलिए इसे हम जल्दी से इस कढ़ाई में डाल देते हैं। ये देखिए गर्म हो गया है, अब इसमें हम सावधानी से रख देंगे। अब इसे ढक के हम 30 से 35 मिनट के लिए इसे बेक होने देंगे। बीच बीच में आप चेक ना करें, नहीं तो कपकेक्स फूलेंगे नहीं, अच्छे से बेक नहीं हो पाएगा। तो मैंने 30 मिनट के बाद चेक किया है, तो ये देखिए कपकेक्स बहुत ही बढ़िया से बेक हो चुका है, फूल के ऊपर भी आ गया है। आइए हम चाकू से इसे चेक कर लेते हैं कि अंदर से अच्छी से बेक हुआ है कि नहीं। तो देखिए चाकू एकदम क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छे से कपकेक्स बेक हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो लीजिए यहाँ पे आधे घंटे के बाद हमारा कपकेक्स डीमोल्ड करने के लिए तैयार है। ये देखिए बहुत अच्छे से कपकेक्स फूल के बेक हुआ है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। आइए अब एक केक को हम डीमोल्ड करके दिखाते हैं। तो ये देखिए चाकू से चारों तरफ आप घुमाएं, इस तरह से कप के चारों तरफ घुमाएं और बहुत ही आसानी से देखिए बाहर आ गया का स्पंज। देखिए कितना स्पंजी बना है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, बिल्कुल
बेकरी जैसा, जैसे हम बाजार से लाते हैं बिल्कुल उसी तरह लग रहा देखने में। आइए हम इसको कट करके भी दिखाते हैं कि अंदर से ये कितना जालीदार बना है, कितना स्पंजी है। ये देखिए, इसका मतलब ये काफी बढ़िया से बेक हुआ है और बहुत ही ज्यादा फ्लफी बना है, सॉफ्ट बना है। आप इस क्रिसमस के अवसर पर कपकेक्स जरूर बनाएं और अपने बच्चों को इसे दें, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।